जब ये दो कंट्रियों में जो क्राइसिस चल रहा है, हमारे हिसाब से वही एक व्यक्ति हैं जो कि इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हर भारतीय जो यहाँ रहता है, इवन यूक्रेनियन जो भी जाते हैं कि वो मिस्टर मोदी जी यहाँ आए और इन दोनों देशों में शांति वार्ता स्टार्ट हो। इस समय में यहाँ आना एक सबसे बड़ी बात है, निडरता है। जैसे मोदी जी जाने आते हैं, जो यहाँ आ रहे हैं और कंट्री के नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें उनसे बात कर रहे हैं ताकि इस युद्ध का कोई समाधान निकल सके। पहली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये क्राइसिस का सॉल्यूशन निकले, और क्योंकि मैं ही नहीं, काफ़ी लाखों लोग जो कि इस क्राइसिस के कारण इफेक्टेड हुए हैं, और सब यही चाहते हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ पे शांति वार्ता स्टार्ट हो। यूक्रेन के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस समय में मिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और हज़ारों भारतीय जो यहाँ रहते हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, वो सब इच्छा रखते हैं कि उनसे मुलाकात करें, और वो जब ये दो कंट्रियों में जो क्राइसिस चल रहा है, हमारे हिसाब से वही एक व्यक्ति हैं जो कि इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऑफकोर्स हर भारतीय जो यहाँ रहता है, इवन यूक्रेनियन जो भी जाते हैं कि वो मिस्टर मोदी जी यहाँ आए और इन दोनों देशों में शांति वार्ता स्टार्ट हो। ये मैं कहता हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और इस समय में यहाँ आना एक सबसे बड़ी बात है, निडरता है। जैसे मोदी जी जाने आते हैं, जो यहाँ आ रहे हैं और कंट्री के नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें उनसे बात कर रहे हैं ताकि इस युद्ध का कोई समाधान निकल सके। जी, सारा जब हमें ये न्यूज़ मिली कि श्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, सारे भारतीय बहुत खुश हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो सब उनसे मिलना चाहते हैं ताकि उनकी एक झलक मिल सके, एक मुलाकात हो सके उनसे, और एक तरह से आप कहें कि हमारे प्रिय नेता हमारे घर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत खुद अपने हाथों से कर सकें। आप मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, कोशिश पूरी रही है। जी, पहली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये क्राइसिस का सॉल्यूशन निकले, और क्योंकि मैं ही नहीं, काफ़ी लाखों लोग जो कि इस क्राइसिस के कारण इफेक्टेड हुए हैं, और वो सब यही चाहते हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ पे शांति वार्ता स्टार्ट हो और युद्ध का अंत हो, और ताकि सब वापस आएँ अपने घर और अपनी ज़िंदगी वापस स्टार्ट करें। एक आखिरी, प्रेसिडेंट से मिलेंगे, आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें दोनों के बीच में होगी कि जो दुनिया चाहती है कि दोनों देशों के बीच में जंग जैसी हालात है वो ख़त्म हो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये इसका मैं जवाब तो मैं खुद भी नहीं दे सकता कि क्या बात हो रही है, और क्योंकि मैं एक नॉर्मल भारतीय हूँ जो 20 सालों से यूक्रेन में रह रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियन जो निर्णय है वो दो नेता मिलके समझें, सुलझें, और इसका कोई निदान निकालें। आपको डर नहीं लगता कि में रहने? जी नहीं, मुझे कोई डर नहीं।